क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ के लिए पैदल चल पड़ा। पहले यातायात के कोई भी साधन नहीं थे तो वो पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता वो उससे रास्ता पूछते जाता। ऐसे करते वो महीनों के बाद केदारनाथ धाम पहुँचा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो कपाट बंद हो चुके थे। केदारनाथ में 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, 6 महीने खुलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने बर्फ पड़ती है, ठंड रहती है, इसलिए उस समय कपाट बंद हो चुके थे। तो उसने भक्त ने वहाँ के पंडित से कहा कि आप द्वार खोल दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे दर्शन करने हैं। लेकिन पंडित ने कहा कि नहीं, एक बार कपाट बंद हो गए तो दूसरे दोबारा नहीं खुलते, वो 6 महीने बाद ही खुलते हैं। ये यहाँ का नियम है और तुम भी यहाँ से अभी चलो, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर बर्फ पड़ेगी। सभी यहाँ से जा रहे हैं, तुम बाद में आना। और उसके बाद सब वहाँ से चले गए। लेकिन वो भक्त वहीं पर बैठा रहा, रोता रहा और रोते रोते उसे रात हो गई। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान उसे दर्शन देंगे। फिर कुछ देर के बाद उसे एक आहट आई। एक सन्यासी बाबा उसके पास आए और उस भक्त के पास आकर बैठ गए और पूछने लगे कि बेटा कहाँ से आए हो तुम? तब उसने सारी कथा सुनाई, सारी बात सुनाई। तब सन्यासी ने कहा कि भगवान शिव तुम्हें जरूर दर्शन देंगे, सुबह मंदिर खुलेगा और तुम उनके दर्शन करोगे। ऐसे दोनों में बातें चलती रही और पता नहीं कब उस भक्त को नींद आ गई। फिर दूसरे दिन उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वही पंडित जो मंदिर में था, वो पंडित अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। तो उस भक्त ने पंडित से पूछा कि आपने तो कहा था कि 6 महीने के बाद कपाट खुलेंगे और लेकिन आप सुबह ही आ गए। तब उस पंडित ने कहा कि अच्छा, तुम वही हो क्या जो 6 महीने पहले आए थे? और लेकिन तुम यहाँ कैसे जीवित रहे 6 महीने तक ठंड में बिना खाना पीना के? तब उस भक्त ने सारी बात बताई। तब पंडित आश्चर्यचकित हो गया और उस भक्त के चरणों में गिर गया और कहा कि हम यहाँ पे इतने वर्षों से महादेव की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें दर्शन नहीं दिए। भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, तुम धन्य हो गए। उसके बाद से महादेव को, केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा।